नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन? मेरे माँ मेरे बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आप सभी का कोई सुझाव है, राय है, तो वो भी हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपना प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम। एक दिन हम गए थे मिट्टी लेने, तो हमने आप सभी को दिखाया था, उस दिन से ये मिट्टी ऐसे ही रखी थी, तो हमने इसे भिगो दिया है। भिगोने के बाद इसका हम चूल्हा बनाने वाले हैं। कुछ देर तक हमने इसे भिगो के रख दिया था और इसमें हमने ये भूसा मिला लिया है। मिला करके इसका टाइट इसको बना लेंगे, इसका डो बनाएंगे मिट्टी का। और ये वाली जो मिट्टी है ना, इसे हम जमुना के किनारे से लाए हैं। जमुना मैया हमने दिखाया था ना आप सभी को, तो ये मिट्टी बहुत चिकनी बहुत भारी होती है। मतलब एक तसला में लेके आई थी पूरा, मेरा मतलब ऐसा लग रहा है मैंने बड़ा सा बोझा लाद रखा है, तो बहुत चिकनी होती है। और ये वाली मिट्टी से ना बाल भी धोते हैं, बहुत अच्छे बाल भी साफ होते हैं। तो जो जमुना के किनारे रहते हैं उनको रोज़ मिल जाता है। हम लोग का घर जमुना किनारे से दूर है, गांव में है, तो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम लोग शैम्पू वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जो जमुना के किनारे लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो वो लोग ना इसी से मिट्टी धोते हैं। और गर्मी में इससे मिट्टी धोने बाल बहुत अच्छे साफ होते हैं। शैम्पू भी फेल होता है इसके आगे और एक एक बाल बिखर जाते हैं। और सर ना ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिट्टी को सान लिया है और इसका हम चूल्हा बनाएंगे। तो ये जो मिट्टी है ना, इतनी मजबूत होती है, इतनी चिकनी होती है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो देखिए हमारा चूल्हे का अभी एक हिस्सा बना है और पूरा चूल्हा तैयार करने में मुझे 5 से 6 दिन लग जाएंगे, क्योंकि चूल्हे को एक दिन में नहीं बना सकती हूँ, ये टूट जाएगा। तो इतना हमने बना के छोड़ दिया है, इसे मैं सूखने दूंगी 2 दिन के लिए और इस मिट्टी को ढक के कायदे से रख ले रही हूँ। तो इसको हमने छोड़ दिया है और जो थोड़ा सा मिट्टी हमारा और बचा है, बाकी मिट्टी ख़त्म हो गया है। तो एक बार में मैं बहुत ढेर सारा नहीं ला सकती हूँ, जितना आता है हमसे उतना ही लाती हूँ मैं। बहुत सारा नहीं लाती हूँ कि सर दुखने लग जाए, चक्कर आ जाए वहाँ से, और दूर का रास्ता भी है, तो इसलिए जितना आता है उतना लाई हूँ। और बातें मैंने क्या कर डाली, हम आ गए हैं जमुना मैया के किनारे, अभी हमने इनकी बात की और इन्हीं के पास हम आ गए हैं। कितनी ज़्यादा लहरें उठ रही है ना, देखिए ये देखिए। बहुत ज़्यादा लहरें उठ रही थी, तो मैं फिर से आगे हूँ मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसे बना दिया है, वो 2 दिन तक सूखेगा। और आज जो मिट्टी लेके चल रही हूँ उसे मैं छोड़ दूँगी भीगने के लिए, तो उसमें पानी छोड़ दूँगी तो ये भीग जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, पहले मिट्टी खोद लेते हैं। तो जमुना के किनारे जो मिट्टी है ना, वो काली मिट्टी होती है, और ये मिट्टी जो आप लोग देख रहे हैं ये पीली है और काली, दोनों इसमें मिली हुई है। तो ये मिट्टी ऊपर से चिकनाने में काम आती है, और जिसका चूल्हा बनता है वो काली मिट्टी होती है। तो हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं उनको पीली मिट्टी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ये ले लिया है एक तसला पीली मिट्टी, और हमको चाहिए काली मिट्टी, तो हम लेंगे काली मिट्टी। तो आइए चलते हैं, काली मिट्टी खोद लेते हैं।
तो दोस्तों जहाँ पे हमें मिट्टी लेनी थी वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये देखिए यहीं से हम लेंगे। ये वाली मिट्टी काली है और बहुत चिकनी होती है और लगाते टाइम बहुत अच्छा लगता है। एक भी कंकड़ इसमें नहीं मिलेगा, एक भी मतलब एक सरसों के दाने के बराबर भी इसमें कंकड़ नहीं मिलता है। और इसी से हम लोगों के यहाँ चूल्हा बनाए जाते हैं। ये मिट्टी बहुत मजबूत होती है, फिर चूल्हा टूटता नहीं है इसीलिए। और जो मिट्टियाँ होती है ना वो बालू के जैसी होती है, रेत वाली मिट्टी, जैसे रेत की मिट्टी नहीं होती है। क्योंकि हमारा गांव जमुना के किनारे है तो यहाँ की मिट्टी ना थोड़ी फिसलने, ये मिट्टी फिसलने वाली है तो ये मजबूत होती है। और जो रेत वाली होती है ना वो मिट्टी फिर काम में नहीं आती है, इतनी मजबूत वो नहीं होती है। तो जब मैं पूरा चूल्हा बनाऊंगी ना तो आप सभी को दिखा दूंगी। तो यहाँ से हम मिट्टी खोद लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो दोस्तों मिट्टी लेके हम आ चुके हैं हमारे घर। इतना लंबा रास्ता तय करके लेके आई हूँ और छोटा सा मेरा तसला है, इतनी मैंने इसमें मिट्टी ली है, लेकिन इतने में मेरा सर फटा जा रहा है क्योंकि दूर का रास्ता है इसलिए। और अभी हम आ गए हैं हैंडपम्प पे पानी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद प्यास भी लग गई थी, हाथ पैर भी धोना है, तो इसलिए हम आ गए हैंडपम्प पे पानी लेने के लिए। हमसे कुछ लोगों ने बोला है कि आपके यहाँ हैंड पानी है तो आप फिर हैंडपम्प से क्यों पानी भरते हो, तो हमने बताया है। शायद आप लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी है, जब पूरी वीडियो देखते हैं तभी समझ में आता है। कुछ लोग क्या करते हैं थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं तो नहीं समझ में आता है। तो हमारे यहाँ हैंडपम्प वगैरह कुछ भी नहीं है, मोहल्ले से पानी आता है इसीलिए हम हैंडपम्प से भरते हैं। तो जो मोहल्ले से पानी आता है वो लाइट से है, चचा है एक मोहल्ले के, उन्हीं के यहाँ से आता है। तो पानी वो जो है सो है, तो हम हैंडपम्प से भरते हैं तो हमें अच्छा लगता है हैंडपम्प से पानी भरना और वहाँ से लाके काम करना। और वो पानी जो है वो बच्चों को नहाने के काम में आ जाता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं साबूदाने की खीर, बच्चों को खानी थी साबूदाने की खीर, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, आप लोग बार बार बोल रहे हो। तो ये देखिए इसमें हमने साबूदाने को भिगो के रख दिया था, फिर उसके बाद दूध डाल दिया, चीनी और ये थोड़ा सा मेवा जो भी था मेरे पास, और बस इस तरीके से मैंने बना लिया है। अच्छा लगता है, हमें भी साबूदाने की खीर पसंद है, बच्चों को भी पसंद है साबूदाने की खीर। और ये हमारे छोटे छोटे से तीन बच्चे और हैं, एक है कबूतर, एक है कल्लू और एक है गोल्डन। बुआ नहीं नहीं आई इन खबर से, वह मानसी दीदी जा रही है, गुलाब सप्पी गाड़ी चला रही है ना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अरे अरे अरे, मिलते हैं आप सभी को अपने कल के नए ब्लॉग में। बाय कर लो, आप बाय कर लो, बाय करो, बाय करो, बाय। जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, बाय करो आप भी।